अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर महमूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम देखेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे 10 मार्च 2017 को जारी होने वाले 40,000 रुपये के प्राइस बॉन्ड को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 31 मई की आज डेडलाइन दी थी कि 31 मई तक 40,000 रुपये का जो प्राइस बॉन्ड है वो कैंसिल हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ये प्राइस बॉन्ड 10 मार्च 2017 को पाकिस्तान के तारीख के इंतहाई होनहार वज़ीर ख़जाना, इंतहाई ज़हीन वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने ये 40,000 रुपये का प्राइस बॉन्ड जारी किया था। ये प्राइस बॉन्ड क्यों जारी किया गया और इस प्राइस बॉन्ड को जारी कैंसिल करने के मुल्की मईशत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। और नाज़रीन, FBR ने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार रिकॉर्ड रिकवरी की है, 4,000 अरब रुपये की रिकवरी की है। और ये पाकिस्तानियों का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे एक एतमाद है, एक एतमाद की फ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो बरकरार रखी या फ़ा पैदा की और पाकिस्तान की आवाम ने ये टैक्स जो है वो FBR में जमा करवाया, इस हवाले से बात करेंगे। और नाजरन, ये भी देखेंगे कि अगर 5,000 के नोट को कैंसिल कर दिया जाए तो क्या इसके मुल्की मीशत पर मुस्बत असरात मरतब होंगे और क्या जो लोगों ने रकूम और जो पैसे की शक्ल में, नोटों की शक्ल में जो अपने घरों में या कहीं भी ये मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है या जो पैसा छुपाया हुआ है ये बाहर आएगा और इसके क्या असरात मुरतब होंगे। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड में पहली बार जो है वो एटमी बिजली घर से पैदा होने वाली बिजली 105 मेगावाट जो है वो शामिल की गई है। 105 मेगावाट बिजली शामिल की गई है और 1100 मेगावाट का ये एटमी बिजली घर K2 के नाम से जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा इस साल के एंड तक। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये है कि 1998 में पाकिस्तान ने जौहरी धमाके किए लेकिन 1998 से लेके पिछली हुकूमतों तक 2018 तक किसी ने इस बात पे गौर नहीं किया या जहमत ही नहीं की कि एटमी बिजली घर या एटम से कोई बिजली बनाने का प्रोसीजर जो है वो शुरू किया जाए, वो क्यों नहीं किया जा सका? क्या इसमें कोई कमीशनें नहीं थी? क्या इसमें कमीशन नहीं मिल रही थी? इसमें ऑयल की कमीशन नहीं थी? इसमें किसी मशीनरी की कमीशन नहीं थी? क्या इस वजह से ये जो एटमी बिजली घर है उसका इनाकाद नहीं किया गया पाकिस्तान में, इस हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम में शामिल मेहमानों से आपका तारुफ करवाते चलें। दुबई UAE से हमें ज्वाइन किया है सरफराज भट्टी साहब ने, इकोनॉमिस्ट हैं, मईशत के माहिर हैं और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं समर इकबाल भट्टी साहब, मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। सरफराज भट्टी साहब, ये बताइएगा ये 40,000 रुपये का प्राइस बॉन्ड, ये जो आज जिसकी 31 मई आखिरी तारीख थी, इस प्राइस बॉन्ड को कैंसिल कर दिया गया, इसके मुल्की मईशत पे क्या आप देख रहे हैं, इसके कोई असरात मुरतब हुए हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी पे? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लोगों को मेरी तरफ से सलाम और पाकिस्तान के तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। देखिए सर, आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि बॉन्ड का जो इश्यूएंस थी और बॉन्ड का जो डिस्कनेक्शन है, इन दोनों को हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये किस तरीके से वर्कआउट होते हैं और बॉन्ड बेसिकली होता क्या है। जी देखिए, तो बॉन्ड सिंपली ये है कि बॉन्ड बेसिकली एक लोन लिया जाता है, एक उधार लिया जाता है, इसको लायबिलिटी कहा जाता है कि जब गवर्नमेंट जो है उसको प्रॉब्लम्स आ रही हो अपनी अपने रिजर्व्स के अंदर, तो उस वक्त क्या करते हैं कि वो ऐसी पॉलिसी लेके आते हैं जिसके थ्रू जो है ना वो बॉन्ड इशू किए जाते हैं ताकि खजाने को जो है ना बेटर किया जा सके। अच्छा, अब क्या हुआ इस सिनेरियो के अंदर, जो पाकिस्तान के जो प्रीवियस मिनिस्टर थे उन्होंने इसको लॉन्च किया, ठीक है। अच्छा, अब उसको लॉन्च करने का क्या मकसद था कि ये 40,000 रुपीज का एक बॉन्ड उन्होंने नॉर्मल लोगों के लिए लॉन्च कर दिया। अच्छा, अब आप ये चीज देखिए कि ये लॉन्च पहले तो ये क्या ठीक था कि गलत था, इसको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जी, बॉन्ड जब आपकी गवर्नमेंट उस वक्त के हालात को, आपको मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में बोला था कि मस्नूई तौर पर बहुत सारे ऐसे एक्ट किए गए थे ताकि डॉलर को सस्टेन किया जा सके। अच्छा, ये भी उस मस्नूई जो फार्मूले थे उसका एक हिस्सा था, उसकी एक कड़ी थी कि लोगों को इस तरीके से अट्रैक्ट किया जा सके कि वो अपना पैसा इस गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाएं और उसके अगेंस्ट 3% के करीब रिटर्न लें। अच्छा, अब देखें, बात सुने, जब 2017 में जो आपका सेंट्रल बैंक का रेट था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी का रेट था, वो बहुत हाई था, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या किया कि जब वो रेट, यानी सेंट्रल बैंक, आप जैसे अभी आप लोग
आप लोग रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है राइट नाउ इज पेइंग 6%। जी अच्छा, अब क्या है कि जिन लोगों ने पैसा इसका 40,000 रुपीज में लगा कर इन्वेस्ट किया हुआ है, अब उनके वो 3% के ऊपर उनको इसका रिटर्न मिल रहा था। अच्छा, 3% के ऊपर उसको रिटर्न मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यू आर फार बिहाइंड एज कम्पेयर द इंटरनेशनल कम्पिटेटिव रेट जो आपकी इकोनॉमी इस वक्त आपकी इकोनॉमी में इस वक्त रेट चल रहा है। तो सबसे पहले ये थी कि उस वक्त का ये जो फार्मूला था ये बहुत गलत था, क्योंकि मार्केट में रेट हाई थे, हमने लो रेट के ऊपर इस बॉन्ड को जो है ना वो जनरेट किया, नंबर वन। नंबर टू क्या है कि जो इस वक्त गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है, ये गवर्नमेंट ने बहुत जबरदस्त स्टेप लिया है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी पैरों पे खड़ी हो रही है जी। और उसके बदले में ये जो बोझ था, जो ये एक बोझ था, वो बोझ कम करने के लिए, क्योंकि ये लाइबिलिटी है ना लोगों की जी जी। आपने फॉर एग्जाम्पल जैसे आप पंजाबी में एक सवाल होती है कि आप एक कमेटी डालते हैं, तो ये पैसा लोगों ने गवर्नमेंट के खाते में जमा करवाया और गवर्नमेंट के ऊपर ये लोन है। अब गवर्नमेंट के ऊपर लोन है और वो पैसा यूटिलाइज भी नहीं हो सका किसी अच्छे कामों में। अगर वो पैसा, यानी उस पैसे से गवर्नमेंट जो है वो 3% लोगों को दे रही है, उसके ऊपर 8% 10% प्रॉफिट बनाती फिर तो ठीक था, लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ बना भी नहीं रही और वो पैसा जो है वो लाइबिलिटी जो है ना, एक तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल आपको का IMF का लोन आपके ऊपर, दूसरी जगहों का आपके पास लोन है, सेम एज इट इज आपका इंटरनल पॉलिसी का भी लोन गवर्नमेंट के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वी शुड डिस्कनेक्ट दिस बॉन्ड, आपको इमीडिएटली इस बोझ को खत्म किया जाए इसको। और ये भी जो गवर्नमेंट का एक बहुत जबरदस्त होगा। अच्छा, उसके बदले में फिर गवर्नमेंट क्या करेगी कि स्वैप लोगों को एक ऑप्शन देगी कि आप देखो 3% के ऊपर, ये देखिएगा, ये दिस इज वेरी गुड पॉइंट कि आप 3% के ऊपर एक बंदे ने लोकली 40,000 का बॉन्ड लिया, उसको 3% रिटर्न मिल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करने वाली है, गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन देने वाली है कि या तो आप ये बॉन्ड स्वैप कर लें कि यही बॉन्ड के पैसे हैं, आप किसी और जो है अल्टरनेटिव बॉन्ड के अंदर जो है ना इसको इंजेक्ट कर दें, आइदर वहां पे आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे, आइदर आप क्या करें तो आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा और पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसका बोझ जो है ना वो हल्का होगा और ऑफकोर्स इसके बहुत अच्छे असरात पड़ेंगे गवर्नमेंट के ऊपर। जी, इसके बहुत अच्छे असरात पड़ेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, ये तो जाहिर हो रहा है। और अच्छा सरफराज साहब, ये बताइएगा, ये 25,000 रुपये वाला भी और ये 40,000 रुपये वाला, ये दोनों डिस्कनेक्ट हुए हैं? जी, ये दोनों देखिए जी, दोनों डिस्कनेक्ट हुए हैं, तो दोनों के हिसाब से ये बिल्कुल जो गवर्नमेंट की करंट पोजीशन है। आप देखिए मेरी बात सुने जी, आपको पता है कि दोनों को डिस्कनेक्शन बहुत पहले कर देना चाहिए, बहुत पहले कर देना चाहिए था। यही तो वो इशू है जिसके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं कि इसको इतना लेट क्यों किया गया, जबकि ये 10 मार्च 2017 को, जबकि 25,000 रुपये वाला प्राइस बॉन्ड पहले मार्केट में मौजूद था, तो 10 मार्च 2017 को क्या ज़रूरत थी ये 40,000 रुपये वाले प्राइस बॉन्ड को लॉन्च करने की, जबकि ये आपने ये सारे इदादोशुमार बताए उनके मुताबिक ये सरासर खसारा था। समर साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में, ये 40,000 रुपये वाले प्राइस बॉन्ड जो हैं, इनको, इनकी आज आखिरी तारीख है, इनको मनसूख कर दिया गया है, तो कैसे देख रहे हैं आप मुल्की मईशत पे इसके असरात को आप देख रहे हैं? जी देखिए, ऑलरेडी एक अच्छा जेस्चर है जी, वो इस सेंस में, क्योंकि आप देखें कि माजी में ये होता रहा कि गवर्नमेंट खुद को मुआशी तौर पे, या जिस तरह सरफराज साहब ने जिक्र किया कि डॉलर को स्टेबल रखने के लिए एक रीज़न ये भी थी, और भी बड़ी रीजंस और भी हैं, लेकिन डॉलर को स्टेबल दिखाने के लिए एक रीज़न ये भी थी कि जो दिखाई जा रही थी। तो माजी में गवर्नमेंट्स जितने भी गुजरी हैं उन्होंने ये कोशिश की कि जी हम लोग जितना भी मैक्सिमम लोन कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं, करके अपना गुजारा चलाएं और काम चलाएं। लेकिन अगर ये वाली गवर्नमेंट मुश्किल हालात के बावजूद, अभी भी इस गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि जब तक आपके गर्दिशी कर्जे और बैरूनी कर्जे जो हैं वो माइनस होना नहीं शुरू होते, तब तक आपके लिए टफ टाइम रहेगा, तब तक चैलेंजेस वाला टाइम रहेगा। लेकिन उस ये सब होने के बावजूद अगर गवर्नमेंट ये स्टेप ले रही है तो ये एक अच्छा स्टेप है कि एक ये सोचा गया कि जी हम लोग जो 3% पे कर रहे हैं वो फॉर द सेक ऑफ नथिंग पे कर रहे हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और उसके बदले ये भी है कि गवर्नमेंट के ऊपर बोझ भी है, और अगर वो गवर्नमेंट अपना वो बोझ कम कर रही है तो ये एक अच्छा स्टेप है। इसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो गवर्नमेंट ने अच्छे स्टेप लिए हैं। लेट्स सपोज आपका जिस तरह बैरूनी कर्जे की अगर हम जिक्र करें, तो उसमें भी
आपका पहले जो हर साल कोई तकरीबन को 1100 अरब डॉलर जो उसमें इजाफा हो रहा था माइनस में, उसको भी उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने काफी अच्छा वर्क किया है और अभी रिसेंटली जो है वो तकरीबन को 350 अरब तक वो आ गया हुआ है। जी 11 अरब था वो 3 अरब आ गया। सरफराज साहब ये बताइएगा, अगर 5000 रुपए वाला जो करेंसी का नोट है अगर इसको मनसूख कर दिया जाए तो इसके क्या असरात मुरतब होंगे? अब सर उस साइड से हम लोग आते हैं कि इसके सबसे पहले के जो नोट है इसको इसकी जरूरत क्या है, ठीक है, और इसके बाद हमें इसके जो सम्राट हैं हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या क्या पड़ने वाले हैं। देखें सबसे पहले आपको पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग जी दुनिया के किसी भी कोने में आप ये चेक अच्छा सरफराज साहब मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माजरा चाहता हूँ, मुझे ये बताइएगा ये अभी हमने ये 40,000 रुपए वाले प्राइस बॉन्ड की बात कर रहे थे हम, तो क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग में इसका भी कोई किरदार था, इसको भी इस्तेमाल किया गया मनी लॉन्ड्रिंग में? ऑफकोर्स देखें जी, मनी लॉन्ड्रिंग में ये था कि ये जो ये बेसिकली इन्होंने शो ऑफ किया गया, ये शो ऑफ करवाया गया था कि लोग अपना पैसा निकालें, लाइक डिफरेंट पॉकेट में पैसे पड़े हुए थे वो इसमें इन्वेस्ट किया जाए ताकि वो पैसा क्लीन हो जाए थ्रू इन्वेस्टमेंट चेन। अब उस इन्वेस्टमेंट चेन के थ्रू फिर यही पैसा वापिस सेल आउट बॉन्ड्स को सेल आउट करके वापस निकाल लिया गया जी। और जो लोगों ने निकालना था वो निकाल के ले गया, जिन्होंने पहले लेना था वो ले लिया, बाद में इसको सेल ऑफ भी कर दिया गया। तो मुद्दा ये आपको डेफिनेटली जिन लोगों ने जिनका पर्पज था, ये आम आवाम से अगर बात करें मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप ये देखें कि आपको ये 40,000 रुपए आपने आप अपने एक नॉर्मल बंदे की तरह सोचे, आपके पास 40,000 रुपए आपने गवर्नमेंट को दिया, ठीक है, आपने 40,000 रुपए गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट उसके बदले में आपको क्या पे कर रही है 3%, राइट। अब आपने क्या किया, आपको इसी 40,000 लोन की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल आपको 40,000 लोन, आप उसी गवर्नमेंट के पास गए, आपको वो गवर्नमेंट वही गवर्नमेंट ऑफकोर्स गवर्नमेंट का जो एक करंट रेट चल रहा है गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट के पास पैसा पड़ा हुआ, सेंट्रल बैंक ने आपको वो लोन 40,000 का आपको दिया, तो आपको कितने पे मिल रहा है 11, 12, 13 या जो भी रेट था उस वक्त। एग्जैक्टली, तो आप नाउ यू कैन कंपैरिजन इस छोटी सी एग्जांपल से कि किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया, ये आम लोगों का फायदा तो नहीं था इसके अंदर, नहीं बिल्कुल नहीं था, बोझ था ना जी, गवर्नमेंट के ऊपर बोझ था, और उस गवर्नमेंट के बोझ को जो उन्होंने लोगों ने जो मैनेजमेंट जो वहां की उस वक्त की गवर्नमेंट थी उसने अपने पर्पज को सॉल्व करने के लिए इसको लॉन्च किया, आम लोगों को इससे कोई फायदा नहीं हो सका और ना 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 इससे कोई फायदा होना। तो डेफिनेटली मनी लॉन्ड्रिंग का भी जो इसके अंदर एक इम्पैक्ट है वो रिमेन्स देयर कि वो छोटी पॉकेट्स को यूज करके बड़ी पॉकेट्स बनाई गई हैं जी, छोटी जेबों को इस्तेमाल करके बड़ी जेबों को भरने की कोशिश की गई। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा सरफराज साहब ये अभी हम बात कर रहे थे 5,000 रुपए वाले जो करेंसी नोट है उसके बारे में हम बात कर रहे थे कि इसको बंद हो जाना चाहिए या अगर ये बंद होता है तो इसका मुल्की मईशत पर क्या असर हो सकता है? उसी टॉपिक को मैं थोड़ा सा करता हूँ। इन्वेस्टर वर इंटरेस्टेड टू बाइंग दी ₹40,000 बॉन्ड बिकॉज ऑफ हाई प्राइस। अच्छा अब ये हो गया कि ये ऑफर्ड हुआ बट इट वाज आल्सो फेवरेट फॉर दोज हु वांटेड टू वॉच द डर्टी मनी। ये उन लोगों के लिए जो सबसे जो बेनिफिट था ना कि लोगों की जो डर्टी मनी थी उसको उन्होंने वॉश करना था, उस वॉश करने के पैटर्न के अंदर उन्होंने वो वाला फार्मूला लॉन्च किया। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए काफी लोगों को इसका फायदा हुआ और ये गवर्नमेंट का बहुत एक्यूरेट और वाइज स्टेप है। आई वुड रिकमेंड दिस स्टेप, ठीक है। और इसमें अच्छा प्रेफरेंस क्या है, फॉर एग्जांपल मैं भी एक और भी देता हूँ एक आपको कि ये आपका जो चैनल है ना, मैं आपके जो चैनल की सबसे बड़ी बात ये है कि आपका जो चैनल इसकी खास बात ये है कि इसके अंदर आम लोगों की एजुकेशन जिसकी कमी है, आम लोगों को नहीं पता। अच्छा अब यही पैसा रादर देन अगर आप सेविंग में रखे हैं, आप किसी अपना यही पैसा आप जो है अपने किसी भी बैंक में इस वक्त करंट कोई जितने भी बैंक से उनमें आप रखें तो वहां पे आपको एवरेज रिटर्न, इफ आई एम नॉट रॉन्ग बिकॉज मैं थोड़ी सी पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर से दूर हूं, बट 4-5% 6% के रेंज आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा रखने से ये रिटर्न मिलता है जी तकरीबन। अच्छा व्हाई यू हैव टू ब्लॉक योर मनी, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं बचता ना। अच्छा आप जब सेविंग लोगों की अपने पास पैसा भी मौजूद है, आपको आपके बैंक्स भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आपकी रिजर्व भी बढ़ रहे हैं, आपकी इकोनॉमी भी बेटर हो रही है, तो लोगों लोग
लोकल लोगों के लिए जो उनके लिए ये बिल्कुल ये इनकरेजिंग स्टेप नहीं था ये। अच्छा अब उसके बाद अगली बात करता हूँ। अच्छा इसी बॉन्ड से रिलेटेड थोड़ा सा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लंबा हो जाएगा कि आपका अच्छा अब पाकिस्तान ने कल मेरा ख्याल शायद आपने सुना होगा कि पाकिस्तान इनिशिएटिव ले रहा इंटरनेशनल यूरो बॉन्ड। अच्छा यूरो का वर्ड क्या होता है? ये नहीं होता कि यूरो के अंदर यूरो करेंसी के अंदर बॉन्ड लॉन्च हो रहा है। यूरो का मतलब होता है कि इंटरनेशनल बॉन्ड। नाउ ये वाला लोन, अब दिस इज मेन पॉइंट जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि पाकिस्तान जो अननेसेसरी गवर्नमेंट के ऊपर बोझ था ये लोकल बॉन्ड का, उसको खत्म करेगी। जी जी। अब पाकिस्तान जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, यूरो बॉन्ड का मतलब क्या है कि इंटरनेशनल बॉन्ड, जो इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड रजिस्टर्ड होगा, अब उसकी जो मिनिमम क्या होती है, जैसे ये 40,000 है ना, तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है $200,000। जी जी। यानी $200,000 उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा उसके ऊपर पाकिस्तान जो है वो अच्छा रिटर्न देगा और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो उस बॉन्ड्स को खरीदेंगे। जब वो उस बॉन्ड को खरीदेंगे तो आपकी इकोनॉमी के अंदर उसकी मूवमेंट आएगी और आपकी इकोनॉमी जो है ना वो बेटर वे में मूव होगी। जी बिल्कुल राइट, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अच्छा सरफराज साहब, मैं ये थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाह रहा था कि ये जो 40,000 रुपये का प्राइस बॉन्ड था, ये 3% पे आपने अभी बताया कि 3% जो है वो रिटर्न कर रही थी गवर्नमेंट, यानी जिस बंदे ने ये 40,000 रुपये का बॉन्ड ख़रीदा उसने 3% में अपनी ब्लैक मनी जो है वो वाइट करवा ली। लेकिन अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो एमनेस्टी स्कीम थी, ये मेरा ख्याल है 2018 जुलाई में, ये 2019 में या 2019 जुलाई में ये एमनेस्टी स्कीम जो थी वो ख़त्म हो गई थी, उसमें इन्होंने 2% रखा था कि जिस बंदे के पास जितने पैसे हैं वो 2% दे के अपनी ब्लैक मनी को वाइट करवा सकता है, उससे नहीं पूछा जाएगा कि उसके पास पैसा कहाँ से आया है। लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर किसी बंदे के पास कोई इतने पैसे निकलते हैं काफ़ी ज़्यादा मकदार में, तो वो पैसा जो है वो गालबन 18% दे के उसके बाद वो पैसा जो है वो वाइट होगा। हाँ जी, अब ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए इसकी इसका फिनोमिना पहले अंडरस्टैंड करें जी। अब आपने जब बॉन्ड लॉन्च किया, अच्छा बॉन्ड लॉन्च किया तो गवर्नमेंट ने जब भी कोई स्टेप लेती है ना, जो भी गवर्नमेंट हो या आपकी कंपनी हो, तो जब भी कोई कंपनी या कोई गवर्नमेंट स्टेप लेती है तो उस वक्त क्या करते हैं कि वो उसको सक्सेसफुल करते हैं, उसको कामयाब बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपने नंबर जो है ना वो, अच्छा सॉरी टू से, पास में खान साहब के ऊपर जो करंट गवर्नमेंट है यू टर्न का बड़ा, अब काफी देर हो गई, उन्होंने यू टर्न नहीं लिया, बिकॉज नाउ दिस डायरेक्शन इज वेरी क्लीन। मैं उनकी कोई फेवर नहीं कर रहा, बट मैं उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा मैं उस साइड पे आता हूँ। अब क्या हुआ कि आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप थॉरली अंडरस्टैंड करें पहले। जी जी। लोगों ने पैसा इंजेक्ट किया हुआ था, यानी जो लोगों के पास कैश था वो लोगों ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई रादर देन हम ये कैश छुपाएं, हम ये कैश को किसी जगह पे दबाएं, हम उससे बेहतर है कि हम गवर्नमेंट के खातों में जमा करवा देते हैं। ठीक जी, है जी, जी। अब उसके अंदर क्या हुआ कि लोग, अच्छा अब उल्टा नुकसान, एक और नुकसान देखिएगा, ये मोस्टली ब्लैक और डर्टी मनी थी। अच्छा अब वो लोगों ने छोटी छोटी पॉकेट के अंदर इसको, छोटे छोटे अकाउंट्स के अंदर, डिफरेंट पूरे कंट्री के अंदर उस पैसे को, यही जो माफिया थी, इस माफिया ने उस पैसे को जो है ना वो सर्कुलेट कर दिया डिफरेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है। अच्छा अब जब डिफरेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर के अंदर वो सर्कुलेट पैसा हो गया, अब वही पैसा उन अकाउंट्स में वापिस आएगा। बिल्कुल आएगा। अब गवर्नमेंट के ऊपर नुकसान क्या है कि वही जो डर्टी मनी थी वो बल्कि इन लोगों ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पैसे देने थे कि भाई ये मेरे पास 1,00,000 पड़ा हुआ, ये डर्टी है, इसको ये डर्टी है जो भी है कैश की सूरत में पड़ा हुआ, तो क्या है कि जी मैं इसके बदले में ये एमनेस्टी स्कीम में इतना पैसा दे के इसको आप क्लीन करवा रहा हूं। अब उल्टा उस डर्टी मनी के ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ा। बिल्कुल ऐसे ही है, वही तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि अभी अगर किसी बंदे ने अपनी ब्लैक मनी को वाइट करवाना है तो 18% अगर 1,00,000 रुपए वो देता है तो 18,000 रुपए उसको देने पड़ेंगे, और जब ये भी बताना पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ से है, उसके बाद उसकी मनी जो है वो वाइट होगी। लेकिन ये जो इन्होंने सिस्टम किया था, इस सिस्टम में तो किसी से पूछा ही नहीं गया कि आपके पास पैसे कहाँ से आए। सर यही तो मसला था ना, सोर्स होता है उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ फंड्स। जी यहाँ पे पाकिस्तान का जो हमारा सेटअप का जो प्रॉब्लम, फाइनेंशियल टास्क फोर्स की जो इश्यूज चल रहे थे, हमारी गवर्नमेंट में जागरूकताई हो रही थी, हमारे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पूरी दुनिया में आ रहे थे, वो यही रीजन थी कि हमारे यहाँ सोर्स ऑफ फंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जी। पूरी दुनिया के अंदर KYC होती है, नो योर कस्टमर, सारे बैंक
सारे बैंक्स करते हैं। यहाँ पे मैंने ये भी कुछ कॉन्सेप्ट देखे हैं कि लोग बैग भर के कैश का लेके आते हैं और डिपॉजिट करते हैं, नो वन आस्किंग, बल्कि उसको चाय पिलाई जाती थी बैंक के अंदर, बड़ी ऑनर दी जाती है उसको, बल्कि सारा अमला ही उसके आगे पीछे घूमना शुरू हो जाता है। सरफराज साहब आपकी तरफ आते हैं, समर साहब ये बताइएगा, ये अभी हम डिस्कस कर रहे थे, काफी ज्यादा टाइम जो है वो ले लिया आपको इंतजार की जहमत जी, पॉइंट भी ऐसे ही था। अच्छा मुझे ये बताइएगा ये 5000 रुपए वाला जो करेंसी नोट है जी जी, इसको आपके ख्याल में इसको बंद हो जाना चाहिए? जी बिल्कुल, जहां भी गवर्नमेंट ने बाकी इतने स्टेप लिए हैं, मेरे ख्याल में अगर ये भी स्टेप लिया जाए तो इसके भी बड़े मिस्बत असरात आएंगे। आपने देखा होगा कि कोई 2 साल पहले या 3 साल पहले हमारे पड़ोस में किसी मुल्क में ये स्टेप लिया गया कि वहाँ पे अचानक से ही उन्होंने अनाउंस किया कि जी उनका जो बड़े से बड़ा नोट था वो वहाँ पे 1000 का नहीं, हाँ 1000 था, उन्होंने चेंज की थी, उन्होंने उसकी डिजाइनिंग वगैरह चेंज की थी। Exactly. और यही कुछ करने की वजह से बहुत बहुत सारा जो सरमाया वो सामने आ गया था। आपने देखा था कि वहाँ पे हमने देखा कि वीडियोज आ रही थी सोशल मीडिया के ऊपर कि जी लोगों ने ट्रकों के ट्रक भरे हुए वो उनकी पुरानी करेंसी के थे जो उन्होंने वेस्ट में यूज की है जी अपने पास। तो मेरे ख्याल में कि इसके साथ भी काफी ब्लैक मनी ऐसी है कि जो किसी भी जगह पे डॉक्यूमेंट्स में नहीं आती और वो वाइट की जा सकती है। और यहाँ सरफराज साहब से मैं एक छोटी सी चीज क्लियर करना चाह रहा था। सरफराज साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी सर, एक थोड़ा सा मैं अपने नॉलेज में इजाफा करना चाह रहा था कि आपके नोटिस में होगा कि जिस तरह हमारे यहाँ जो टैक्स कलेक्शन का जो निज़ाम है इसमें हम देखते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है ज़्यादातर उसमें जो एक मिडल मैन का किरदार है या फिर जो डीलरशिप होती है उनको आपने देखा होगा कि वो लोग बहुत ज़्यादा इसमें एक बहुत बड़ी परसेंटेज इस तरह की है बिजनेसमैन की, ताजर हजरात की, कि जो लोग लोकल ट्रेडिंग करते हैं लेकिन उनका कोई टैक्स कहीं पर कोई नहीं पे किया जाता उनकी तरफ से। तो गवर्नमेंट की तरफ से दरमियान में पहले भी कुछ इस तरह की ऑप्शंस रखी तो गई कि जी उनको टैक्स नेट में लाने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई इतनी ज्यादा सहूलियत, इतना ज्यादा कोई फैसिलिटेशन उन डीलर्स को या मिडल मैन को नहीं नजर आई कि वो खुद को उसमें रजिस्टर्ड करवा सके। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, गॉड ब्लेस यू फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत नॉलेजेबल क्वेश्चन आपने किया। मैं आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल जो, अच्छा सबसे पहले तो यार मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग फर्स्ट चैनल ऐसा है कि आप लोग इस किस्म की अवेयरनेस लोगों को देने आप लोगों ने शुरू की हुई है, एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू। अभी आपने ये, आई एम रियली हैप्पी। अच्छा आप देखें, ये जो अभी आपने क्वेश्चन किया, सबसे पहले तो सर यही तो डिस्टेंस है ना। अच्छा उसके अंदर क्या है कि सबसे पहले हमें अपनी गवर्नमेंट, अपने लोगों को, अपनी आवाम को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, बल्कि मैं गवर्नमेंट को, अगर मेरा गवर्नमेंट का कोई बंदा मेरी बात सुन रहा है तो ये प्रॉपर एक कंपेन इसकी चलानी चाहिए जी। कि अब मैं आपको थोड़ा सा ना इसका लंबा लूंगा, मुझे 3-1 मिनट सिर्फ दीजिएगा। जी 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 जरूर सरफराज साहब, आप प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। अब उसमें क्या होता है कि उसमें ये होता है कि अब जैसे इंटरनेट, जैसे हम, मैं अभी यूए में रह रहा हूँ। अच्छा जी। अब यूए के अंदर सबसे पहले तो एजुकेशन होती है, आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है ना जी। आपने भले छोटी सी ग्रोसरी बनानी है, आपने कोई छोटा सा काम भी करना है, कुछ भी करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने 15-20 हजार दरम का भी काम करना है, तो देन यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ फर्स्ट। डेफिनेटली आपको रजिस्टर करना चाहिए। सबसे पहले तो आपके प्लेटफॉर्म के अंदर पता होना चाहिए कि कितनी कंपनियां, कितनी दुकानें, कितनी शॉप्स। अच्छा टैक्स वाली बात एक सेपरेट बात है, लेकिन आपके पास जब डाटा होगा तो देन पहली काम होती है रजिस्ट्रेशन। अच्छा अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है जो मैंने देखा है कि जो जो रजिस्ट्रेशन के लिए मुख्तलिफ दुनिया घबराती है। अच्छा अब उसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है गवर्नमेंट के लिए, जो हमारी आवाम है वो घबराती है कि कल को हमारे ऊपर कोई मसला ना हो, हमें कोई टैक्स ना देना पड़े। अब देखे ना जो जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनके कल्चर क्या है। अच्छा अब उन्होंने क्या किया हुआ कि जो छोटे बिजनेसमैन है उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा, उन्होंने उनसे कहा कि यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग, यू जस्ट रजिस्टर योर सेल्फ, यू नीड नॉट टू डी। अच्छा अब उसमें क्या होता है कि बल्कि वो गवर्नमेंट ने कहा कि उल्टा हम आपको बेनिफिट देंगे। अच्छा वो बेनिफिट कहां से लेके देंगे, जो बड़े बिजनेसमैन है उनसे। अब उन्होंने, अब जैसे यहाँ की गवर्नमेंट है, यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, 3-4 स्लैब बना रखी हैं। सबसे पहले जो छोटे बिजनेसमैन है वो अपने आप को रजिस्टर करें, जो उससे उन्होंने रखा हुआ कि भाई अगर 3,50,000 दरम का किसी का टर्नओवर है तो देन ही हैज टू पे द वैट, देन उसको वैल्यू एडेड टैक्स पे करना है, जो उससे बड़ा है उसको वैल्यू एडेड टैक्स पे करना है। तो मुद्दा क्या है कि इसी तरीके से जो
सबसे पहले जो आवाम है उसको पहले नॉलेज देना होगा कि भाई आप लोगों को, पहले गवर्नमेंट को काम करना होगा कि वो छोटे एसएमई को, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को, जो छोटे बिजनेसमैन है उनको रजिस्ट्रेशन का मौका दिया जाए और उनके लिए इंसेंटिव दिया जाए। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगा पंजाब जी की कि जब बाबा फरीद गंजशकर साहब नमाज पढ़ा करते थे तो उनकी वालदा उनको नमाज के लिए अट्रैक्ट करने के लिए क्या करती थी कि उनके मुसल्ले के नीचे वो जो है शक्कर या चीनी रख देती थी। अच्छा शक्कर, अच्छा सेम एज इट इज, यू अब आपने उल्टा लॉलीपॉप देना है ताकि लोग खुद लाइन में लगे कि भाई मेरा काम। आपने क्या करना है, आपने कहना है कि जो बंदा आपको, आप जो छोटे बिजनेस, पहले छोटे बिजनेसमैन से स्टार्ट करें, जैसे फारूक कोके वाला है, कुड़ी वाला है, कोई दूसरा है, एक दो बंदा अपने आप को इस चेन के अंदर रजिस्टर्ड करेगा, उसको गवर्नमेंट 1000 रुपया, 1500 रुपया या 20000 रुपया इंसेंटिवाइज करेगी, उसको कहते हैं सब्सिडी। आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से ये लोग रजिस्टर्ड करेंगे। अच्छा अब अगली बात, जब छोटे बिजनेसमैन रजिस्टर्ड अपने आप को करेंगे तो ऑफकोर्स जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी अपने आप को रजिस्टर करेंगे, तो उनसे फिर एक जो कल्चर, टैक्स का कल्चर है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो मैकेनिज्म होता है कि आपका फॉलो अप का, जो आपकी गवर्नमेंट है वो उसका, उसको मॉनिटर करे, उसको पीछा करे कि क्या आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, क्या बैंकों में जा रहा है, आपका अकाउंट कहाँ पे है। सो दिस इज लॉन्ग चेन, यस, बट द गवर्नमेंट शुड हैव टू टेक इनिशिएटिव इमीडिएटली। बात लंबी हो जाएगी हमारी। ये चीज जिस तरह आप और हम डिस्कस कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के थ्रू ये चीज़ गवर्नमेंट के जो आला अफसरान हैं वहाँ तक भी पहुँचे ताकि वो इसके ऊपर एक्शन ले सकें। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो हमारे पास माशाल्लाह गवर्नमेंट के जो एडवाइज़र बैठे हुए हैं वो बहुत हाईली एजुकेटेड और बहुत सारी चीज़ों को बड़ी बारीक भी नहीं से जानते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ के ऊपर वो उन्होंने क्यों नहीं स्टेप लिया? ये चीज़ें अगर हमें, आप और हमें नज़र आ रही हैं तो उनको भी नज़र आ रही होंगी। बट साहब उनको अभी नज़र आना शुरू हुई है ना, अभी ये जुमा 8 दिन तो हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को, 3 साल हो गए, 3 साल पहले तो 35 साल, 40 साल या 70 साल जितना भी अरसा गुजर गया है उससे पहले तो ये बहुत ज़हीन थे और इनकी ज़हानत और फरासत का आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि इन्होंने वो काम किए हैं जो हमारे मुल्क के लिए कतई तौर पर बिल्कुल भी गैर मुनासिब थे। अब देखें 200 अरब रुपए में एक डैम बन रहा है और इन्होंने क्या जुल्म किया इस मुल्क पे, इस कौम पे, ये एक ट्रेन बना दी है 1000-1200 अरब रुपया लगा के, 200 अरब लगा के एक डैम नहीं बनाया, उस ट्रेन से 1 लाख बंदा मुस्तफीद हो रहा है और डैम से 22 करोड़ आवाम ने मुस्तफीद होना था। ये तो अभी ये सारा सिलसिला चल रहा है, तो सारी चीज़ें और ये अवेयरनेस भी ये खान साहब की दी हुई है, खान साहब ने इस कौम को अवेयरनेस दिया कि इनसे पूछें पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया। अब वो खुद भी इस नेट में आ रहे हैं और उनके देखें कितने वजीर हैं, कितने मुशीर हैं। अभी ये कुछ ही दिनों पहले उनके एक मुशीर ने रिज़ाइन किया, इस्तीफ़ा दिया, वो सारे इसी चेन में, इसी नेट में आ रहे हैं, तो वो जो कानून दूसरों पे लागू होता है वही उन पे लागू होता है। ये आपकी बात का जवाब है। अच्छा सरफराज साहब ये बताइएगा, इन 2.5 साल में आप क्या देख रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का कोई विजन, कोई सिम्मत, कोई तयन हुई है, आपको क्या लग रहा है? वेरी गुड। देखिए सर, सबसे पहले तो आप ये माइंड में रखें कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, मैंने जो काम देखूंगा, जो काम मुझे ऑब्जर्व किया। लास्ट 3 वीक्स अगो जब ये आपका बजट अनाउंस हुआ था तो उस वक्त जो है मुझे इमरान साहब ने लाइन पे लिया था, तो तब मैंने उनसे कहा था कि हमारा जो जीडीपी था जो उस वक्त 0.4 के ऊपर चल रहा था। अच्छा, मैंने उस वक्त ये अपनी एक्सपेक्टेशन दी थी कि जिस तरीके से गवर्नमेंट जो है पॉजिटिवली चल रही है, तो इन्होंने 3.5 की रेंज रखी हुई है अगले क्वार्टर के अंदर, कि जो ये जीडीपी है वो वहां तक पहुंचेगा। और जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी प्रिडिक्शन के हिसाब से जी जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त आपकी, आपका जो बहुत देर बाद आपका जो खजाना है वो सरप्लस में गया है। यानी सरप्लस का मतलब क्या होता है कि जब आपका रिजर्व सरप्लस में चले जाते हैं कि आपके पास डेफिसिट ना हो, यानी आपके खजाने में, यानी आपकी जो आपकी इंपोर्ट, यानी जिसको आप उर्दू में आपकी दरामदात जो है वो ज्यादा है और बरामदात जो है ना वो, यानी आप जो यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम है और इम्पोर्ट ज्यादा है। हाँ नहीं, अभी जो करंट हुआ है ना, अभी जब आपका रिजर्व पॉजिटिव किए हुए हैं तो आपने अभी एक्सपोर्ट ज्यादा हुई है तो रिजर्व बढ़े हैं, ये मैं अंडरस्टैंड कर गया हूँ आपकी बात। बिल्कुल, अभी जो आपकी एक्सपोर्ट हुई है वो ज्यादा हुई है और इंपोर्ट आपने कम किया, सो दिस इज गुड थिंग। गवर्नमेंट क्या है कि वो, अच्छा सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि गवर्नमेंट ने राइट डायरेक्शन के ऊपर चल रही है। नंबर 1, गवर्नमेंट यूरो बॉन्ड ला रही है, वेरी गुड। नंबर 3, जो गवर्नमेंट ने रोशन अकाउंट लॉन्च किया,
एक्सीलेंट, मैं कहता हूं कि जबरदस्त, कि वो बहुत अच्छा काम हुआ है। अच्छा, नंबर तीन, मैंने लास्ट टाइम भी गवर्नमेंट के उद्योगदारों को ये सजेशन दी थी, अभी भी मेरी को बात सुन रहा है, तो मैं कहता हूं कि जो फॉरनर्स हैं उनके लिए भी रोशन अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट लाया जाए, रोशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट लाया जाए ताकि आपके रिजर्व मोर बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो सिर्फ पाकिस्तानी है वो रोशन अकाउंट खोल सकते हैं, तो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जो फॉरनर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त है, वो जर्मन नेशनल है, वो दुबई में रहता है, दुबई में 6% नहीं मिल रहा रिटर्न, लेकिन वो रोशन अकाउंट खोलना चाहता है और वो पैसा अपना उस अकाउंट में डाल के 6% लेना चाहता है। कि आपको इंटरनेशनल जो कंपटीशन है उसको माइंड में रखते हुए देखें, अमेरिका में इस वक्त रेट क्या चल रहा है, 0.20, कितना सर, 0.20। अच्छा, ये रेट चल रहा है पूरी दुनिया में, डॉलर का रेट क्या चल रहा है, 0.4, 0.3 समवेयर, तो आप लोग कितना पे कर रहे हो इस वक्त, 6%। अच्छा, 6% आपका इसका मतलब 0.20 अच्छा है कि 6% अच्छा। अच्छा, डेफिनेटली 6% के हिसाब से तो सारी दुनिया अपना पैसा उठा के पाकिस्तान पहुंच जाएगी, कहां से पे करेंगे। ये भी रॉन्ग है ना सर, आपको ये नहीं है उसमें, तो यही तो गुड थिंग है कि यू नीड टू क्रिएट सच काइंड ऑफ थिंग्स। आप देखिए दुबई के अंदर है, आप मेरी बात यहाँ पे मैं आपको दोबारा जवाब देता हूँ, पूरी दुनिया का पैसा यूए के अंदर आ रहा है, क्यों आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, पॉलिसीज, बिकॉज ऑफ गुड पॉलिसीज। आप देखें कि आप जब यहाँ पे आपके जो वहां के लोग हैं यहाँ पे आके अपने अकाउंट खोलते हैं, क्यों खोलते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं, अच्छे अच्छे उनको डिपॉजिट्स के रेट्स मिलते हैं। तो सेम एज इट इज, अभी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डिपॉजिट्स के रेट्स कम है, तो पाकिस्तान डिपॉजिट्स के ऊपर अच्छा रेट दे रहा है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए दे रहा है, तो जो फॉरनर है वो फॉरनर है उनके लिए पाकिस्तान को चाहिए कि वो कुछ एग्रेसिवली प्लान करें कि वो लोग भी, यही तो खान साहब का विजन है। जी सरफराज साहब, आपकी आवाज जो है ना वो हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी आवाज पहुंच रही है, आला ईवानों तक भी इंशाल्लाह पहुंचेगी, और फॉरनर्स के लिए भी कोई इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आएगी, जैसा कि आपने रोशन या डिजिटल अकाउंट की बात की, उसके बाद ये यूरो बॉन्ड है, इन सब के हवाले से। लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि वाकई पाकिस्तान की शरह नमू जो है, इकॉनमी जो है, वो 3.94 पे है इस वक्त, जैसा कि कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब ने आवाम से गुफ्तगू करते हुए उनके टेलीफोनिक सवालात के जवाब देते हुए उन्होंने ये बताया कि 3.94 है हमारी GDP ग्रोथ जो है, जबकि अपोजिशन जो है वो इस बात को बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो अभी ये कह रहे हैं कि 2018 के जो इदादो शुमार हैं उनको निकाला जाए और निकाल के कंपेरिजन किया जाए, वी आर बेस्ट, हम बेहतरीन थे, बेहतरीन हैं और बेहतरीन ही रहेंगे। अच्छा, आप वो देखें, वो मैंने आपसे पहले कहा था कि वो था मस्नूई तरीकाकार, जैसे ये बॉन्ड का तरीकाकार और बहुत सारे उनकी जो पॉलिसीज थी वो डिफरेंट थी। ये एक नॉर्मल बंदा, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि गवर्नमेंट जिस संप में जा रही है, आने वाला नॉर्मल बंदा भी उठ के पूछ सकेगा, वो आपकी रिपोर्ट निकाल सकेगा। कि इस वक्त आप भी अगर चाहें, आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाएं, आप गवर्नमेंट के रिजर्व चेक कर सकते हैं, आप उनका डेफिसिट चेक कर सकते हैं कि भाई इस वक्त क्या पोजीशन चल रही है। तो इट्स अ रियल मूड, और ये बिल्कुल वाजिया जो और प्रॉपर तरीकाकार है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी GDP इस रेंज में पहुंची है। यानी आपका कहना है कि GDP 3.94 पे एग्जैक्ट है, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैं समझता हूं कि 3.9 नहीं, आने वाले देखिएगा दिनों में ये 4.5 भी क्रॉस करने वाले। जी बिल्कुल, 4.5 का तो खान साहब बता रहे थे कल, भट्टी साहब जी। अच्छा ये बताइएगा, ये FBR ने पाकिस्तान की तारीख में ये इस साल सबसे ज़्यादा टैक्स रिकवरी की है, 4,000 अरब रुपए जो हैं वो टैक्स रिकवरी हुई है। पाकिस्तानी जो अवाम हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पे और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पे एतबार है, तो उन्होंने ये इतने टैक्सेस जमा करवाए हैं। मैं समर इकबाल भट्टी साहब से इसका जवाब जानना चाहूँगा। जी भट्टी साहब बताइएगा, ये 4,000 अरब रुपये का जो रिकॉर्ड है, ये टैक्स कलेक्शन है, ये आपके सामने है, ये लोगों ने खौफ से दिया है, खुशी से दिया है, या उन्होंने इस उम्मीद पे दिया है कि हम जिन क्राइसिस से गुजर रहे हैं उनसे बाहर निकलने के लिए ये कोई स्ट्रगल का हिस्सा बनना चाह रहे हैं? नहीं देखें, ये वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे इस गवर्नमेंट का टाइम गुजर रहा है, एक सिवाय महंगाई वाले पॉइंट के, उसके अलावा बाकी जितने भी स्टेप्स हैं गवर्नमेंट के वो हाई लेवल के ऊपर वो इस तरह के हैं कि जो लोग भी मुआशियात को समझने वाले हैं उनको पता है कि हमारा मुल्क जो है वो मिसबत साइड पर जा रहा है, और अवाम भी जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एतमाद करती है, तो उन्होंने इतना किया। अभी आप ये देखें कि अभी तो ये कोविड और लॉकडाउन और ये सारी चीज़ें चलती रही हैं, तो इतनी टैक्स कलेक्शन हुई है। अगर ये चीज़ें ना होती
तो आपका जीडीपी और आपकी ये जो टैक्स कलेक्शन है, रेवेन्यू कलेक्शन है, ये अभी भी इससे बहुत बेहतर हो सकती थी। और अभी आने वाले साल में मज़ीद उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले साल में आपका जीडीपी भी इससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी भी काफ़ी जो लोग माहिर मुआशियात हैं जो इन चीज़ को समझने वाले हैं। एक बात की समझ नहीं आ रही, लोग टैक्स तो दे रहे हैं, 4,000 अरब रुपये टैक्स तो दे दिया पाकिस्तानी अवाम ने, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं दिए। सर ये एक अलग डिबेट हो जाती है, वो इसलिए हो जाती है क्योंकि मैंने आपको बताया कि इतबार की बात है ना, इतबार और इतमाद की फजा अगर कायम हो रही है तो फिर ये जो सबका ये जो 2 महीने पहले ही आपके सामने हम भी यहाँ पे बैठ के डिबेट करते रहे हैं इलेक्शंस पे, जिमनी इलेक्शंस जो हुए हैं उनमें आप देख लें 10-11 जगहों पे जिमनी इलेक्शन हुए हैं और 1 या 2 जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, बाकी सब जगहों पे अपोजिशन जीती है। दरअसल मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान में लोग जो है ना जी, वो 2 तबके हैं। एक वो है कि जो ज़रा पढ़े लिखे और एजुकेटेड लोग हैं, जो बाशूर लोग हैं कि जिनके अंदर कोई आपके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, इस तरह के जो लोग हैं वो, और जो मतलब के अच्छे ताजर हैं, उनको जो लोग समझते हैं, इंडिकेटर्स को समझते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे मौशी तौर पे हमें अच्छा कर सकती है, वो तो समझते हैं कि जी ओवरऑल चीज़ें जो हैं वो अच्छी सिमत की तरफ जा रही हैं। लेकिन एक जो आम आदमी है, आम आदमी को ये चीज़ हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं, एक आम जो निचले तबके वाला आदमी है, जो दिहाड़ीदार आदमी है, उसको ना तो जीडीपी के साथ कुछ लेना देना है कि जी इस वक्त क्या जीडीपी जा रहा है क्या नहीं जा रहा, उसको कुछ समझ नहीं है उसकी, ना उसे कोई करंट अकाउंट के साथ लेना देना है, ना उसको बाकी चीजों के साथ लेना देना है। वो तो ये कहता है जी कि मुझे रोटी पहले 6 रुपए की मिलती है तो अब 10 रुपए की क्यों मिल रही है। ये फर्क है, बनस्पति घी अगर पहले 150 रुपए का 1 केजी था तो अभी ये 200 या 250 रुपए का क्यों हो गया जी। बिल्कुल, लेकिन अभी आहिस्ता-आहिस्ता लोगों में ये अवेयरनेस आ रही है, लोग समझ रहे हैं कि जी अगर हमारी रियासत जो है वो अगर अपने कदमों पे खड़ी होगी तो निचले लेवल पे उन तक भी अच्छी चीजें पहुंचेंगी, मिसबत असरात पहुंचेंगे। अच्छा सरफराज साहब, ये बताइएगा ये जो तारकीने वतन है, ये जो जैसा कि आप अभी यूएई में मौजूद हैं, ये इन लोगों को वोट का जो हक है वो इस्तेमाल करने की इजाज़त देनी चाहिए, ये पोजीशन बिल्कुल भी साइड पे नहीं आ रही, वो तो इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे लग रहा है कि जितने भी लोग मुल्क से बाहर हैं वो खान साहब से काफ़ी ज़्यादा वालेहाना मोहब्बत रखते हैं। ये आपने बात देखिए, बात सिंपल सी है कि जब आप लाइक आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, वो बंदा पढ़ा लिखा हो, इवन नॉन पढ़ा लिखा हो, वो उस कल्चर से एजुकेशन हासिल करता है। यानी यहाँ पे अगर आप कोई बंदा मैट्रिक पास है या कोई बंदा मास्टर्स किया हुआ है, उन दोनों लोगों ने, कोई बंदा यहाँ पे डायरेक्टर है या कोई बंदा लेबर का है, तो दोनों के लिए सेम रूल है। आप अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वैक्सीनेशन लगवाने जाता हूँ तो आई हैव टू फॉलो द सेम रूल एज बीन फॉलोड बाय द नॉर्मल लेबर क्लास। अगर इसी तरीके से आपने कोई भी काम करना है तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसका मतलब क्या हुआ कि इस सिस्टम ने यहाँ के लोगों में एक एजुकेशन और अवेयरनेस पैदा कर दी है कि क्या गलत है और क्या ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे अब आ जाए कि उनकी पाकिस्तान के साथ, इमरान खान के साथ मोहब्बत, मैं कहता हूँ कि आप इमरान खान की जगह पे कोई और देखें, ऑप्शंस होती हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ कंट्रीज में आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि भाई ये लीडर अच्छा है, ये लीडर अच्छा है, ये बंदा अच्छा है, वो बंदा अच्छा है। अच्छा, अब क्या है कि ये पूरी दुनिया का एक, पूरी दुनिया के अंदर ये बात बिल्कुल वाजे है कि इमरान खान कुछ भी हो इज ऑनेस्ट गाय। Yes. कुछ भी हो कि भाई ये तो आप किसी भी लेबर क्लास किसी भी बंदे से पूछोगे पाकिस्तान के, यार सारियां गल्लां छोड़ो, एक गल से मैं जानना भी वो बेईमान नहीं हैगा, वो बेईमान नहीं है। टीम के ऊपर सवाल आते हैं कि जी उसके साथ टीम ठीक नहीं है। अब सर उस साइड पे मैं आ रहा हूँ ना, सर उस साइड पे मैं अभी आपको अभी उस मेरी अपना एक विजन दे रहा हूँ, मैं कोई उनके हक की बात नहीं कर रहा। अच्छा सरफराज साहब, टाइम कम है, प्लीज जरा शॉर्ट कीजिएगा इसको शॉर्ट। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या है कि ये क्या है कि हमारी जो अफिलिएशंस हैं वो किसी भी अच्छे बंदे के साथ है, तो इस वक्त जो सबसे अच्छा, जो अच्छी ऑप्शन है वो इमरान खान की सूरत में है, और ही इज द लीडर और गॉड ब्लेस हिम, और जो इसी वजह से ये हक उनको मिलना चाहिए, हमारा भी हक है। बिल्कुल सरफराज साहब, इसी वजह से उनको ये हक मिलना चाहिए, ईमानदार हैं वो और एक लीडर हैं, और उनको पता है कि अवाम के क्या जज्बात हैं और अवाम उनसे कितनी मोहब्बत करती है। समर इकबाल साहब, ये बताइएगा, ये जो पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड में ये जो बिजली शामिल की गई है, बस लास्ट 2 मिनट्स हैं हमारे पास, पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड में जो बिजली शामिल की गई है 105 मेगावाट, ये एटमी बिजली है, ये पहले क्यों नहीं किसी को ख्याल आया? दरअसल अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे कमीशन किसने देना था
किस चीज के ऊपर कमीशन देना था, या यहाँ पर कोई भी 1998 से ये जौहरी धमाके किए हुए हमने जी बिल्कुल, यहाँ पे कोई भी ऐसी डील कैसे हो सकती थी कि जो अगले 30 साल के अंदर कोई इस तरह के कंडक्ट किए जाते कि जी 30 यानी साल कमीशन में इनको नहीं मिलने की उम्मीद थी, इसलिए इन्होंने इस चीज पे गौर ही किया कि ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी बहुत सारे शुरू होना चाहिए। आप देखें ये जो पहले भी जो हमने पावर के प्रोजेक्ट लगाए हैं कि जो जो ये जो आईपीपीस वाला मामला अक्सर हम डिस्कस करते हैं, उसके अंदर आप देखें ना कि कितना बड़ा जुल्म किया गया है कि एक चीज आप आज 2021 के अंदर उसके ऊपर आप वर्क करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कोई 3.5-4 रुपए के अंदर एक पर यूनिट उसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन वो चीज आपने कोई 20 रुपए से ऊपर उसके डील किया, वो भी अगले 30 साल तक की डील कर ली है। माजी में ऐसा ही होता रहा है, बस ये बेलाग मुआहदे और जिनकी कोई अच्छा। सरफराज साहब बताइएगा, लास्ट एक मिनट है, आखिरी एक मिनट है हमारे पास, ये जो एटमी ये जो बिजली घर है इसका आइडिया पहले क्यों नहीं आया? ये बात आपने सही है, उनको काफी अच्छे तरीके से दूसरे भाई साहब ने करवा दिया। यही बात है ना कि सर इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतनी बड़ी इश्यूज थे कि वो अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि पहले बड़े चीजों को लेके जाया जाए फिर उसको छोटी की तरफ आया जाए। अच्छा, लेकिन आपका इकोनॉमी के हिसाब से एक क्वेश्चन था जो मैं उसका आंसर दे दूं जी, ताकि जी। इसी के अंदर कंक्लूड कर लूं, जो 5000 नोट को बंद करने की सस्पेंड करने की जो इसकी है, ये देखें ये जो 5000 का जो नोट है ना, ये जो ओवरऑल आपकी करेंसी सर्कुलेशन है वो 3.3 ट्रिलियन का 1/3 है। यानी इतना ज्यादा गवर्नमेंट को फायदा हो सकता है कि जो लोगों ने पैसा ब्लैक का रखा हुआ है, छुपा के रखा हुआ है, हाँ, तो ये 1/3 है जो आपकी टोटल 3.3 ट्रिलियन की ट्रांजैक्शन मनी की हो रही है। जी सरफराज साहब ठीक हो गया, आपका मौकफ आ गया। नाज़रीन ये अगर 5000 रुपए का नोट अगर बंद कर दिया जाए तो ये जो लोगों ने घरों में पैसे छुपा के रखे हुए वो निकलेंगे, बैंकों की तरफ भागेंगे और अपनी करेंसी जो है उसको चेंज करवाने की कोशिश करेंगे और ये सब इसी नेट में आ जाएंगे, सब पता चल जाएगा। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।